मेडिटेशन करने आए थे, पर हमने इधर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हमें रोज़ रोज़ नए नए टास्क मिले जो बहुत फन थे, और उससे कोई ना कोई लॉजिक मिलता ही था रोज़, और बहुत अच्छा लेसन मिलता था। और इधर हमने बॉन्ड फायर भी इंजॉय किया, बहुत अच्छी ट्रिप थी। तो कोई टॉक्सिक लोग नहीं थे जो हमारा मूड खराब कर देते थे, और बस, और बहुत अच्छी ट्रिप थी। मैं भूषण गुप्ता, हमने जो स्पिरिचुअल वेकेशन 4 दिन का यहाँ पे खूब इंजॉय किया। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो हमें करने को मिली, देखने को मिली। और जब जैसे हम पहले ऑनलाइन करते थे उसमें इतना इंजॉय नहीं कर पाते थे, लेकिन इसमें हमने खूब इंजॉय किया। नमस्कार जी, हम जहाँ पर पत्नीटॉप में स्पिरिचुअल वेकेशन के लिए आए हैं, स्पिरिचुअल वेकेशन क्या, यहाँ पर तो स्पिरिचुअलिटी में इतना कुछ बताया गुरु जी ने जो हमें पता ही नहीं था। बेसिक दौर की बातें जो कैसे हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना है वो भी, और साथ में और एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी रही। तो ये स्पिरिचुअल वेकेशन बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। रोज़ ऐसे अपने मेडिटेशंस की, मतलब बहुत ऐसे अच्छा सा लगता था कि स्ट्रेस फ्री तो होते ही उससे, और पीसफुल सी, कोई टॉक्सिक लोगों का यहाँ पर था नहीं, कोई टॉक्सिसिटी थी नहीं, कोई टॉक्सिक लोगों का कहना नहीं, तो ये सबसे ज़्यादा पीसफुल थी। ये स्पिरिचुअल रिट्रीट जो है मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रिप है अभी तक। बहुत सारे स्टेट्स में गए, बहुत सारे ट्रिप किए, लेकिन इससे अच्छा कोई भी ट्रिप नहीं रहा। एक स्पिरिचुअल ट्रिप था, अच्छे हमारी कंपनी रही, इसमें जो टास्क थे हमारे वो बहुत अच्छी तरह से स्पिरिचुअल सोशल इस पर हर टॉपिक पे था। इसमें फाइनेंशियल अबंडेंस का जो सेशन था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन थे, वो बेस्ट सेशंस थे। और जो हमें जैसे बोन फायर के पास एंटरटेनमेंट भी खूब था, बोन फायर काफ़ी अच्छा ट्रिप लगा जी हमारा। उसमें हमने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी काफ़ी की, डांस भी किए, इंजॉय भी किया, हर किस्म का हमने इंजॉय किया। और मेरे ख्याल में ऐसे ट्रिप जिन्होंने मिस की है वो काफ़ी उन्होंने मिस किया इसमें। लेकिन जो मैं कोशिश यही करता हूँ गौरव सर से यही बोलूँगा कि ये ट्रिप दोबारा एक साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। ट्रिप में बहुत हमने इंजॉय किया, एक यूनिटी में हम सारे ने मिलके जो मेडिटेशन थी बहुत कुछ सीखा जहाँ पे हमने यहाँ पे आके, और बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय किया मेडिटेशन। बहुत बहुत कुछ सीखा हमने गुरु सर जी से मेडिटेशन की, किस तरह से हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, हीलिंग करना सीखा। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी जो हमारी पूरी लाइफ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आई थिंक ऐसे जो ट्रिप हैं वो हर साल नमस्कार, मैं रेनू वाला। हम लोग यहाँ से स्पिरिचुअल वेकेशन के लिए 3 दिन की ट्रिप पर पत्नीटॉप आए हैं। यहाँ हमारा स्पिरिचुअल वेकेशन का मतलब ये था कि हम घर में जो घर गृहस्थी में रहकर घर के काम करते करते हम अपने मेडिटेशंस को टाइम डिवोट नहीं कर पाते हैं, हम कुछ लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर आके हमने बहुत सारी लाइव क्लासेस अटेंड की हैं, बहुत कुछ सीखा है। और तो इस स्पिरिचुअल वेकेशन के लिए तो सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ सुप्रीम गॉड का, उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ अपने मेंटर गौरव जी का जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये वेकेशन ये स्पिरिचुअल रिट्रीट को अटेंड कर पाए। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़े लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हमें यहाँ पे हुए। तो आई होप कि उनके जो आउटकम्स हैं वो मेरी लाइफ में बड़े पॉजिटिव रहे, और आई एम श्योर कि वो ऐसा ही होगा। तो जब यहाँ आए थे तो ये मेरे लिए बहुत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट अवार्ड, बिकॉज ये अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरे को घर रहते नहीं मिल रहा था। एंड इन दिस पर्टिकुलर सिटी एनवायरनमेंट नेचर के पास होके, और इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। हमें यहाँ पे आपके पत्नी गाँव में बहुत अच्छा लग रहा, और ये मेडिटेशन करने में पहले कभी मुझे मौका ही नहीं मिला था, टाइम मिला है, हमें बहुत अच्छा लगा ध्यान करने।
नेचर, ग्रीनरी सब बहुत अच्छा है। रहने का इंतजाम और गौरव जी का प्यार बहुत अच्छा है। नमस्कार, ये जो स्पिरिचुअल वेकेशन गौरव सर ने प्लान की है, ये स्पिरिचुअल वेकेशन में हमने इतना सोचा नहीं था, इससे ज़्यादा हमें यहाँ मज़ा आया। ये सबसे पहले जो लोकेशन इन्होंने पत्नीटॉप सुनी है, इस लोकेशन में अलग से एक एनर्जी रहती है। उसके बावजूद इन्होंने हमें एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ बताया, कुछ चीज़ें हम पहले से इनके साथ जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पर अच्छे इतने अच्छे एक्सपीरियंस रहे जो इससे पहले नहीं रहे। यहाँ पर हमने पास्ट लाइफ रिफ्लेक्शन किया, हीलिंग्स की, और काफ़ी सारे मेडिटेशन की नई चीज़ें सीखी।